हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एरियर क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में जाना था, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने तरह की होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में भी हम लोग ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और एडिशनल फैक्ट्स ऐड करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। व्हाट इज तो यहां पे क्या है कि ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप थ्री लाइन सेगमेंट। तो यहां पे क्या है, दो वर्ड है ट्रायंगल में, एक क्लोज्ड कर्व है और इसमें लाइन थ्री लाइन सेगमेंट है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल में दो चीजें हैं, एक क्लोज फिगर है जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व है, इसमें तीन लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के ये कर्व है, पहले भी हम देखे थे कर्व है, ठीक है। कर्व क्या मतलब, कोई घेरा, तीन तरह से घिरा हुआ कोई फिगर है, सिंपली सी बात है। तो इसमें तीन लाइन है, तीन लाइन इन्वॉल्व है और क्लोजनेस इन्वॉल्व है। सो यहां पे देखिए तीन लाइन हो गई और ये तीनों तरफ से, मतलब एक अगर ये लाइन सेगमेंट है ए सी सी बी और बी ए, तो ए सी जो है ये लाइन सेगमेंट सी बी से यहां पे मिल रही है, फिर इसी तरह ये यहां पे मिल रही है, तो ये जो मिलने वाला है इनको क्या है, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपका ट्रायंगल हुआ और ये जो मिलने वाले पॉइंट है वर्टेक्स। ये अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे यहां के थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, इसमें से तीन साइड हो गया, तो तीन एंगल फॉर्म हो रही हैं आपका। एक एंगल आपका ए वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, एक एंगल बी पे फॉर्म हो रहा है और एक सी पे, तीन एंगल फॉर्म हो गए। तो कहने का मतलब इसमें ट्रायंगल में आपको तीन चीजें हैं, तीन साइड हैं, तीन एंगल हैं और तीन वर्टेसेस हैं, और ये चौथे पॉइंट क्या है, ये क्लोज फिगर है, ठीक। ये फिगर है क्लोज्ड, ठीक, ये क्लोज फिगर है। तो ट्रायंगल की ये सारी चीजें, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, जिसमें से दो चीज तो यूनिक रहने वाली है, क्लोजनेस और वर्टेसेस। ट्रायंगल में ये तीन चीजों में कोई बदलाव है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा और वर्टेक्स है तो वर्टेक्स ही रहेगा, लेकिन बदलाव इन दो चीजों में क्या होगा, साइड बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है। साइड कभी ये बड़ी होगी तो कभी ये, या तीनों बराबर हो सकती है। इसी तरह एंगल के मेजरमेंट में कोई चेंजेस आएंगे, तो इन्हीं साइड्स के मेजर में जो चेंज आएंगे और एंगल के मेजर में जो चेंज आएंगे, उन्हीं के बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन होगा। तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कैसे क्लासिफाइड करेंगे और एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कैसे क्लासिफाई करेंगे, वही इसमें देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, देखते हैं क्या। तो इसके अलावा ट्रायंगल में कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रायंगल में, जैसे यहां पे एक वर्ड है मीडियन, जो पहले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नया वर्ड एक मीडियन है। क्लासिफिकेशन तो वो होगा, उसके अलावा भी कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे मीडियन है, एक ट्रायंगल में एक मीडियन भी होता है। मीडियन क्या होता है, ठीक है, ये जानते हैं। मीडियन इज द लाइन दैट कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो यहां पे क्या है, दो चीज मीडियन में, दो चीज होती है, क्या चीज, दो चीज है, एक वर्टेक्स और एक अपोजिट साइड। ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, जस्ट उसके अपोजिट साइड है। तो जैसे यहां पे क्या है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये होगा ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट या सी पॉइंट, ये पॉइंट आपका हो गया, तो ये एक वर्टेक्स है। तो हमने कहा यहां पे तीन वर्टेक्स हैं, तो पहले देख, तो इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड होगा ये होगा बी सी। सो ए का अपोजिट साइड बी सी होगा, इसी तरह बी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए सी होगा, और इसी तरह सी का अपोजिट साइड आपका ए बी होगा। तो तीन वर्टेसेस हैं, तो उनके तीन अपोजिट साइड होंगे, जिसका मतलब ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, तीन मीडियन हो सकते हैं।
तो ट्रायंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं, ठीक है, थ्री मीडियन। तो मीडियन बनाने के लिए दो चीजें, जैसे यहां पे इस फिगर में आप नोट करिए, इस फिगर में आप नोट करेंगे तो नोट करने में क्या देखा कि यहां ए वर्टेक्स है, उससे एक लाइन अपोजिट इसको बाइसेक्ट करती है दो बराबर, ये जो पॉइंट है डी है, ये क्या होगा, डी का क्या मतलब हुआ, बी डी इज इक्वल टू डी सी। देखिए यहां पे दो कई वर्ड हैं, एक परपेंडिकुलर आएगा, एक मीडियन आएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें आएंगी, और एक चीज और आता है, ठीक है, हम देखते हैं। तो कहने का मतलब इस वर्टेक्स से कई चीजें बनती हैं, तो आप ये यहां पे क्या होता है, यहां से अपोजिट साइड एक ऐसे भी बनता है, ठीक है, और ये जो है इसके यहां पे एक ऐसे भी बनेगा जो इसको और इसको काटता है, ठीक है, ये दो चीजें ऐसे बनती हैं। इसके बाद एक दो चीज और आता है, सॉरी एक दो और आएगा, वो देखेंगे सर्किल में होता है कि कोई ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है, एक अंदर से सर्किल बनती है, वो एक प्रॉपर्टी होती है, उसका भी एक होता है, और एक ऐसा होता है कि सर्किल के अंदर भी बनती है। तो वहां पर भी यहां से निकलने वाली कुछ लाइंस आती हैं, वर्टेक्स से निकलने वाली लाइंस आती हैं, ठीक है, इसी तरह इससे भी ऐसा कुछ होता है, यहां से भी कुछ निकलने वाली लाइंस आती हैं। तो ये दोनों फिगर होते हैं, तो वो हम लोग आगे भी देखेंगे। सो अभी के लिए आपके पास ये दो काम क्या आएंगे, एक मीडियन होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, देखेंगे क्या होगा। इन दोनों में बराबर नहीं, ये अलग अलग केस है, हाँ कुछ ट्रायंगल में दोनों सेम होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन हो, वर्टेक्स से पर्टिकुलर जो बनाता है वो, और ये सेम नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ मीडियन की बात कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या यहां होता है, सो डू नॉट कंफ्यूज, बस अब हमको कंसंट्रेट करना है सिर्फ अभी मीडियन पे। मीडियन में आपका वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन आती है, जैसे एडी, एडी जो लाइन सेगमेंट है, एडी लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, बीसी को, ठीक है, लाइन में डिवाइड बीसी इंटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज बी डी इज इक्वल टू डी सी। यहां पे ये है एडी जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी कहलाता, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन, वर्टेक्स से चलेगा, यहां पे ये एंगल को भी डिवाइड नहीं करता, ये एंगल एंगल के बारे में जरूरी नहीं किया, डिवाइड ही हो, ठीक है। सो सिर्फ मीडियन का काम है यहां से यहां को अपोजिट को जोड़ना, ये ध्यान रखनी। मीडियन इज अ लाइन दैट कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, तो कोई मिड पॉइंट है, इन गिवन फिगर एडी इज मीडियन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ए टू मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट बी सी, देखिए मीडियन के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या था, अल्टीट्यूड, जो हमने बात किया था अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का काम क्या है, ये यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, दैट्स, तो मीडियन क्या है, अपोजिट साइड पे को दो बराबर भागों में बांटता है, और अल्टीट्यूड क्या है, अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये अंतर है। अल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, तो कहने का मतलब अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, देखिए मीडियन क्या करता है, अपोजिट, ठीक है, साइड के मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड मिड पॉइंट, या कह सकते मिड पॉइंट यहां पे ज्वाइन अपोजिट साइड मिड पॉइंट टू वर्टेक्स, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन करता है वर्टेक्स को ज्वाइन करता है इक्वल, ये लाइन खींचने का मतलब ये आपका
बीडीसी, बीडी इज इक्वल टू डीसी, यहां पे ये है। सो एडी इज यहां पे क्या करेगा, मीडियन का काम करेगा। अल्टीट्यूड क्या है यहां पे, ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हैं ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है मीडियन अपोजिट साइड को दो बराबर। यहां पे ये जरूरी नहीं, बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ये जरूरी नहीं। हाँ कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन सभी में ये जरूरी नहीं, नॉट मस्ट नहीं, कभी कभी सैल भी हो जाता है बट नॉट, वनली मस्ट क्या है एल्टीट्यूड के लिए, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी, ए सी बी या ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये जरूरी, ये पॉइंट जो है दिस इज मस्ट फॉर अल्टीट्यूड। ठीक, अल्टीट्यूड के लिए ये कंडीशन जरूरी है और मीडियन के लिए ये कंडीशन जरूरी है, ये कंडीशन मीडियन के लिए जरूरी है, अल्टीट्यूड के लिए ये कंडीशन जरूरी है, दैट्स इट। दोनों इसमें, दोनों में भी क्या, अल्टीट्यूड का वर्टेक्स इन्वॉल्व है और अपोजिट साइड, दोनों में वर्टेक्स और अपोजिट साइड इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। वर्टेक्स दोनों में सेम कॉमन काम कर रहे हैं, लेकिन ये एसी दोनों में अलग अलग काम कर रहा है। यहां पे एसी क्या कर रहा है, यहां पे एक परपेंडिकुलर बना रहा है, और वहां पे जो है एडी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड मीडियन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हैं। यहां पे कह रहा है कि साइड्स जो है कंस्टेंट है, साइड की अपनी लिमिटेशन है कि साइड अलग अलग हो सकती है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, दो द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक, यूनिक प्रॉपर्टी की कोई भी ट्रायंगल तब पॉसिबल है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, तीन साइड दिया गया है, ये पूछा जाएगा कि वेदर फ्रॉम दीज थ्री साइड ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब अगर आपको तीन साइड दिया रहे, कहे इससे आप एक को एक ट्रायंगल बनाइए, तो अब आपके सामने है कि क्या हम सीधा बनाने लग जाएं, तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। तो उसमें ये देखिए कि कभी दो साइड का एड करिए, वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल का ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर तीन साइडें दिए हैं, उससे ये पूछा जाए कि ये ट्रायंगल बनाइए, तीन साइडें दिए हैं अगर वो बनाइए क्या। हमने बताया था कि ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, तीन लाइन सेगमेंट होता है और वो क्लोज फिगर होता है। तो लेकिन अगर आपको तीन लाइन सेगमेंट दे दिया जाए, कहे इससे ट्रायंगल बनाइए, तो अब क्या ट्रायंगल बन सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ लाइन सेगमेंट दे देने से कुछ नहीं होता। तो वहां ये ध्यान रखना है कि हमेशा दो साइड को जोड़ेंगे तो वो तीसरी से बड़ी ही आनी चाहिए, लाइक दैट। यहां पे देख लीजिए, अगर सपोज के टू है, फोर है एंड आपका जो है थ्री है, यहां पे देखिए क्या लाइन सेगमेंट बन सकता है, इसको देखिए, तो दो साइड है ए बी सी, तो यहां देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, टू प्लस सिक्स, और सी क्या है, थ्री। तो इसका मतलब यहां हमेशा ये होना चाहिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, सी से बड़ा होना चाहिए, या बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, या ए प्लस सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तीनों कंडीशन में ये होगा। जब तक ये तीनों कंडीशन नहीं होगा, तब तक ट्रायंगल नहीं बन सकती। कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, टू थ्री सेवन, यहां पे देखिए तीन ट्रायंगल है, तो यहां पे देखिए इसको ए है, बी है, सी। इस केस में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए ए प्लस बी क्या है,
इज लेस देन सी है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए और ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, लेकिन ये एक कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है क्योंकि लेस है। इसका मतलब अगर तीन साइड ये दिए रहें तो ट्रायंगल नॉट फाउंड, इनसे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये तीन फिगर दिए रहें, तीन लाइन सेगमेंट दिए रहें अगर आपके पास, सपोज करिए ए बी इज इक्वल टू टू दिया रहे, बी सी इज इक्वल टू थ्री दिया रहे, सी ए इज इक्वल टू सेवन दिया रहे, तो इससे जो है ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये यहाँ पे एक फिगर ए प्लस ये वाला लाइन जो है इससे कम आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, दैट इज द ये प्रॉपर्टी आपको यही करे, ये प्रॉपर्टी क्या रहे, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, टू साइड का सम करेंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हमेशा जो है कोई दो साइड हमेशा जोड़ने पर तीसरी साइड से हमेशा बड़ी ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे यहां पे तो पॉसिबिलिटी दिख ही रही है, हमने एक एग्जांपल ये लिया, यहां नहीं बनेगी, लेकिन जो हमारे पास ये एग्जांपल दिया है इसमें तो बनेगा क्योंकि ये ग्रेटर है, हमेशा ग्रेटर, ठीक है, कोई दो साइड एड करेंगे वो तीसरा से हमेशा बड़ा ही रहेगा। लेकिन तो उसी का जस्ट अपोजिट है, उसमें एडिशन है, तो इसमें कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन थर्ड साइड, तो जस्ट है ऐड करने से, दो साइड को ऐड करने से तीसरी साइड से बड़ी आएगी या दो साइड को घटाने से वो तीसरी साइड से छोटी आएगी, दैट इज मतलब। तो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बन जाएगी। तो कहने का मतलब इन दोनों से आप जो है ये दो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, सम प्रॉपर्टी और डिफरेंस प्रॉपर्टी जो है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो है कोई जो ट्रायंगल होगा जो थर्ड साइड होगा कितनी बड़ी या छोटी हो सकती है। अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आते हैं, ठीक है, एंगल की प्रॉपर्टी आते हैं, हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब यहां पे पहली प्रॉपर्टी है कि कोई ट्रायंगल है तो उनके उनमें तीन ट्रायंगल होती, तीन एंगल होती तो उनका एडिशन क्या होता है, यहां पे एक चीज है। तो पहले एक प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे ट्रायंगल आपका पी क्यू आर दिया गया है, तो यहां पे तीन एंगल हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो इन एंगलों का जो सम होता है वो क्या होता है, ठीक है, इन पी क्यू आर एंगल आर पी क्यू एंड पी क्यू आर, तीनों का एंगल दिया गया है, ठीक है, इनका सम यहां पे देखिए, तीनों का एंगल अगर एड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कह ये भी सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उनकी अगर तीनों, अगर ये ऐसा ट्रायंगल है सो यहां पे जो एंगल दी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तो कोई भी ट्रायंगल है उनके एंगलों का हमेशा एडिशन जो है 180 ही आता है, इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता ना कम हो सकता, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कोई भी ट्रायंगल है तो उनके जो तीन एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 ही आता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टीज है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये साइड को थोड़ा सा बढ़ा के हमने डी तक ले आए, तो अब यहां पे तो एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, एक एंगल बना है, लेकिन यहां पे हमको दो एंगल बन गए, एक एंगल ये आउटसाइड भी एक एंगल बन गया। अगर ये बढ़ाएंगे, यहां भी बढ़ाएंगे तो बन जाएगा, यहां पर भी बढ़ाएंगे तो इस तरह की आप बन जाएगी, अगर इसको भी बढ़ाएंगे तो ऐसा भी बन जाएगा, कोई भी बढ़ाए इसको भी बढ़ाएंगे तो यहां बन जाएगा। तो ये एंगल क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल, लेकिन ये तीनों एंगल क्या है आपके,
इंटीरियर है। तो अगर इनको नाम कर दें 1, 2, 3, 4, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या है, ये इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर का, ये ट्रायंगल के अंदर है। और एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल 3। एंगल 3 का ये एक्सटीरियर पार्ट है। लेकिन अब आपको पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 ये मिला के 180 हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। हमने पहले ही बताया कि स्ट्रेट लाइन पे 90, तो ये एंगल 180 हो जाता है। तो इसी ये प्रॉपर्टी और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ये प्रॉपर्टी, इन दोनों को यूज करके हम ये प्रूफ कर लेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये दो चीज चाहिए। क्या चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या दो चीज चाहिए? पहला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। पहला। दूसरा पॉइंट हमको क्या चाहिए? एंगल फॉर्म्ड ऑन ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। कहने का मतलब कोई लाइन है, वहां पे कोई पॉइंट है, उस पर कोई एंगल अगर बनती है इस तरह का, ठीक है, तो इस एंगल का जो सम होगा वह 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों ने देखा था। तो इन्हीं दो का यूज, और हमको पता था कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह का, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज करके हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सो क्या रहा है कि एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां कह रहा है कि ये एंगल सी ए बी ये, और फिर ए बी सी ये का जो सम होगा वो बराबर होगा इसके। तो ये कहने का मतलब एंगल ये वाला, इसको नाम दे सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कह रहा है। ये कैसे प्रूफ होगा? सिंपली बात, इनको हम अगर नाम दे दें तो हमारा प्रूफ करना थोड़ा लिखना आसान हो जाता है। सबसे पहले, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, पहला इसका रीजन है। दूसरा हम क्या कहेंगे? एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये क्या है? इसका रीजन क्या देंगे? एंगल, क्या कह सकते हैं, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन इज 180, ये रीजन है। तो आपके पास दो पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट और दोनों पॉइंट से फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से क्या दे सकते हैं? आर इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड्स इज इक्वल है, देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, देयरफोर
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहां पे देखिए, यहां पर एंगल 3 भी है, यहां भी एंगल 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या बच जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 एंड 2 इक्वल टू एंगल 4, यही यहां पे का है। ये क्या है, ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये इक्वल टू एंगल 4। सो आपका ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है। ये समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, मैंने इसको प्रूफ करके बताया, प्रॉपर्टी याद रखिए, कभी प्रूफ करने को आएगा तो करिएगा कि प्रूफ दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? एक कंसेप्ट है, वो ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे लगता है। ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, सो इसको हमेशा याद रखें। पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें उसका एक एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री का हो, कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी राइट एंगल बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, ये देखने में और सिंपलिसिटी में आसानी समझने में आसान रहता है, इसलिए इस तरह बना लेते हैं हमेशा। इसलिए बनाने का यह मतलब कि इस तरह हमको देखने में और समझने में आसानी होती है, बस इस तरह ही हमेशा डायग्राम हम इस तरह बनाते हैं, डायग्राम इस तरह भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो पाइथागोरस ने यह कहा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तीन एंगल होती तो उसमें कम से कम एक जो होती है 90 होना चाहिए, तो उनका कहने का मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इस तरह का ट्रायंगल हो तो अगर इस जैसे यहां पे एसी का साइड का स्क्वायर कर दें, वह बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये कहते हैं हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें प्रूफ कर सकते हैं, आप दे सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या 5 का स्क्वायर है, दैट इज 25। ठीक है, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर आप कर सकते हैं क्या है 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। इसी तरह बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये होगा 3 9। तो देख लीजिएगा यहां पे जो सबसे बड़ी साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट वाली साइड होगी उसी के साथ होगा, उसका स्क्वायर बराबर उसके बगल की जो दो साइडों का सम स्क्वायर होता है, ये कि ये एंगल है तो उसी के सामने वाला। ठीक है, इसको वैसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है और ये आपका बेस होता है। यहां पे तीनों साइड के अलग अलग नाम है, ये राइट एंगल जो ट्रायंगल उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जो ऊपर खड़ा रहता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं और जो ये लेटा हुआ रहता है उसको बेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर, इसको हम एस से नाम दे सकते हैं लिखने में और इसको ए से नाम दे सकते हैं, ठीक है, या और इसको बी नाम दे सकते हैं, बेस है, अल्टीट्यूड है, एच है, तो यह कह रहे हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यह है ये पाइथागोरस ने यह थ्योरम दिया, ये कंसेप्ट दिया था, इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा लागू होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह निकाला था। तो यहां पर यह दिया गया है आपका, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर दिखाया गया और ये 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसमें यही दिखाया है कि यहाँ पे एसी साइड का स्क्वायर इक्वल टू ए बी साइड स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसमें दिया क्या है तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का, देख लेंगे तो ईजी है। ये क्या है, ये 25 आएगा, ये 16,
प्लस 9, इनको ऐड करेंगे तो क्या 25 आ जाएगा, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल में होता है, राइट एंगल में ही होता है और किसी में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आपको जान के रखना है। पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टी है, दो ट्रायंगल की, एक आइसोस्केलेटल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है। ये ट्रायंगल में साइड है कि कोई ट्रायंगल है अगर उनकी आइसो मतलब दो साइड बराबर, ठीक है, टू साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ऑल थ्री साइड इक्वल, तो दो में ये होना चाहिए। तो टू साइड आर इक्वल इन लेंथ, बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो कहने का मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां कहने का मतलब दो चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसी कोई, ये ट्रायंगल है, सपोज करिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कह रहा आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड बराबर है कोई भी, जैसे इसमें देखने में आसानी है तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी होगा, ठीक है। तो ये और ये एंगल भी बराबर होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल में हमेशा जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये कहने का मतलब। जैसे ए सी ए बी इक्वल है तो ए सी के सामने वाली ये एंगल और ए बी के सामने वाली ये एंगल दोनों बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी याद रखी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी याद रखने हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हमने मीडियन बताया, अल्टीट्यूड बताया, फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया, फिर हम आइसोस्केल ट्रायंगल बता रहे हैं, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसी है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसी है कि यहां पर इनकी तीनों साइड बराबर होती, ठीक है, यहां पर तीनों साइड बराबर होती, तीनों साइड, जैसे इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों एंगल साइड बराबर होते हैं। तो इनके अपोजिट एंगल, जैसे ये साइड है ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर होंगे, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रायंगल है, इसकी तो बहुत खूबियां हैं, इनमें साइड बराबर होगी, एंगल बराबर होगी, इसका मीडियन जो होगा, मीडियन इसका अल्टीट्यूड सेम होता है तीनों में, अगर यहां से इसका मीडियन ड्रा करें और अल्टीट्यूड ड्रा करें तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। इसके इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खूबी थी, इसका मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होती है, ये जो एंगल होती है वो 60 डिग्री की होती है, इजली है, क्योंकि अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तीनों बराबर हैं, इसका मतलब 3a लिख सकते हैं 100, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू 180 बाय 3 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो जाता है, तो तीनों बराबर हो जाते हैं, दैट्स इट। अब ट्रायंगल के बारे में वही है, हमने बता दी इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल दो साइड बराबर, स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर नहीं है। तो तीन तरह के, इक्विलेटरल में तीनों साइड, आइसोस्केलन में दो साइड और स्केलन में ऑल साइड डिफरेंट होती है, बस। एंगल के बेसिस में क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट मतलब ऑल जो थ्री साइड होंगी, ऑल थ्री एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होती, तीनों एंगल 90 से कम होती, जैसे इसमें कोई भी 90 से ज्यादा नहीं होती। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होती और एब्ट्यूस एंगल एक ट्रायंगल जो ये एंगल जो है ग्रेटर देन 90, तो एंगल बी जो है ये 90 से बड़ी होगी और यहां पे एंगल बी हो, इस वाले केस में इसमें एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों जो है लेस
देन 90 होता है, इसमें वन एंगल जो है एक एंगल 90 होगा और इसमें एक एंगल जो होगा 90 से ज्यादा होगा। तो तीन ट्रायंगल हैं उनके बेसिस, जैसे तीन साइड थी, तीन एंगल जो है तीनों साइड के बेसिस पे था, तीन थी कि एक इसमें तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों साइड सेम हो या दो दो साइड इक्वल हो, तो उसके बेसिस पे आपका स्केलन था, आइसोस्केल था और इक्विलेटरल था। इसी तरह तीन तरह के एंगल के बेसिस पे अगर उसमें से एक एंगल जो है 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और 90 से कम तीनों है तो एक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने जो है कई चीजें डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने मीडियन डिस्कस किया था, अल्टीट्यूड किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, ट्रायंगल के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल में रिलेशन समझा था, फिर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो उसमें हमने कहा था स्केलन, ठीक, आइसोस्केल और इक्विलेटरल। फिर हम लोगों ने जो है पांच सिक्स पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस ये किया था एंगल पे, राइट एंगल हमने एक राइट एंगल पे किया था, एक्यूट किया था, ऑब्ट्यूस। तो हम लोगों ने कुल मिला के सेवन पॉइंट इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए। सो इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड। कुछ इसमें समरी के पॉइंट हैं, वही सारी चीजें हैं, आप देख लिए। सिक्स इलेमेंट ऑफ ट्रायंगल आर इन इट्स थ्री एंगल थ्री साइड, तो ट्रायंगल में तीन इलेमेंट हैं, तीन एंगल तीन साइड होती हैं। लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से क्या होता है, मीडियन, मीडियन के बारे में बताया गया, तो तीन मीडियन होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन है और वर्टेक्स से होता है तो क्या बनता है, अल्टीट्यूड है, तो उसमें तीन अल्टीट्यूड होते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में तभी बनता है, इस कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एक का साइड बढ़ा देंगे तो एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी बना लेगा एक्सटीरियर, चाहे तो इधर भी हम एक्सटीरियर बना सकते हैं, चाहे हम आगे भी बना सकते हैं, तो ये इसका एक्सटीरियर है, ये इसका एक्सटीरियर बन जाएगा, ये इसका एक्सटीरियर बन जाएगा, कहीं से भी बना सकते हैं, ये भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, और भी बना सकते हैं हम लेके, ये भी बढ़ा सकते हैं, 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 ढेर सारे बढ़ा सकते हैं, जितनी साइड हैं, ये साइड दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, हर एक साइड को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए एक पे ही हम काम करते हैं। प्रॉपर्टी वाला हमने बता दिया, एक्सटीरियर एंगल और उसके इंटीरियर एंगल में क्या है सम का, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने बता दिया 180, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दिया और उसके एंगल के बारे में बता दिया, आइसोस्केलर ट्रायंगल में बता दिया और उसके इक्वल साइड के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ ऑफ ट्रायंगल बता दिया, सम वगैरह करने से क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, ये सारी चीजें हम वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।